Welcome to Parida Academy, dear students. So today we will discuss chapter 11, standard 6, chapter 11, motion and measurements. Okay, motion and measurement of distances. ये वाले चीज़ को हम पढ़ाएंगे आज. सो बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैं नहीं बना रहा था. आप लोग अभी कमेंट करना शुरू करा तो इसलिए मैंने बनाना शुरू करा. जितना कमेंट करोगे मैं उतना वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा. ओके, सो टुडे वील डिस्कस अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ओके, एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे. सो द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट, मीटर. तो इसमें क्या जाता है, एसआई यूनिट में क्या आता है ना, एम के एस, एम फॉर मीटर, के फॉर के जी, एस फॉर सेकेंड. ओके, तो फास्ट आ जाता है मीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज टू मेजर योर वेस्ट. तुम्हारा वेस्ट मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए ना, मेजरिंग टेप. रोहित इज रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रेसिंग ट्रैक ऑफ 50 मीटर. ही इज इन, सीधा भाग रहा है, ये लाइन सीधा भाग रहा है, तो क्या होगा, कौन सा मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, सो नेक्स्ट में जाएंगे, पॉज करो और लिखो अपना. ओके, सो द एसआई यूनिट ऑफ मास इज, एसआई यूनिट मास क्या होता है, मैंने क्या बताया था, एम के एस, एम फॉर मीटर, के फॉर के जी, एस फॉर सेकेंड. तो एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम, के जी मतलब कि किलोग्राम. ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन कौन नहीं है, पीरियोडिक मोशन माने मतलब कि एक टाइम पीरियड में वो मोशन होता रहेगा. ए स्विंग इन मोशन, तो एक झूले में घूम रहे थे, झूला झूल रहे थे, ये क्या होता है ना, पर्टिकुलर एक पीरियड में मोशन आगे जा रहा है पीछे आ रहा है कि नहीं. तो ये फ्लाइंग बी होगा, क्योंकि जो बीज घूमते हैं ना उनका कुछ ठिकाना नहीं रहता, कभी कब किधर घूमेंगे कुछ ठिकाना है, इनका क्या हो जाता है ना, रैंडम मोशन हो जाता है. ओके, तो ये पीरियडिक मोशन नहीं है. द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर व्हेन स्ट्रेच इज कॉल्ड, मतलब कि इसको क्या बोलेंगे, हैंड स्पैन बोलेंगे. ओके, क्या बोलेंगे, हैंड स्पैन. देन जी नंबर क्वेश्चन, द लेंथ बिटवीन द टो एंड द हील ऑफ द फुट इज क्या, फुट स्टेप. विच ऑफ दिस इज नॉट ए एसआई यूनिट, फुट स्टेप, एसआई यूनिट मीटर, के जी, सेकेंड, मैंने बताया था एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, के जी, सेकेंड, इसको याद रखना, एम के एस, मीटर, के जी, सेकेंड, एसआई यूनिट का. देन वन मीटर इज इक्विवेलेंट टू वन मीटर, वन मीटर इज इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर. सो आंसर इज 100 सेंटीमीटर, आंसर इज 100 सेंटीमीटर. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे. डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिडिल फिंगर एंड द एल्बो, क्यूबिट. 6 किलोमीटर इज 6000 मीटर. द इन एंशियंट टाइम पीपुल ट्रेवल्ड बाय फुट. देन डैश इज द डिस्टेंस, लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स. ओके, वैसा ही सेकेंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, मैंने बताया था. अभी आर्म लेंथ इज द लेंथ बिटवीन द सोल्जर एंड द मिडिल फिंगर. देन कर्विलिनियर एंड रेक्टिलिनियर मोशंस आर टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. ए काइट फ्लाइंग इन द स्काई एग्जिबिट रैंडम मोशन. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस विथ टाइम. ओके, देन नेक्स्ट, ए पीरियडिक मोशन रिपीट्स इट्सेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. अभी ट्रू फॉल्स को देखेंगे. द हार्ट बीट ऑफ ए नॉर्मल पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन, नॉन पीरियडिक मोशन, फॉल्स है. देन लार्ज डिस्टेंस आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स, राइट, ट्रू है. ए बर्ड इज सिटिंग इन ए ट्री सेट टू बी रेस्ट, सही है, ट्रू. द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक सो लिनियर मोशन, लिनियर मोशन, नो, सर्कुलर मोशन. ओके, देन 4600 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 46 मीटर, ट्रू, सही है. द अर्थ एग्जिबिट टू टाइप ऑफ मोशन, ट्रू, क्या क्या,
एक सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर अर्थ ऐसे घूमता है ना, एक सर्कुलर ऐसे, सन इधर होता है और अर्थ ऐसे ऐसे घूमता है। हाँ, ये सर्कुलर मोशन भी होता है और पीरियडिक मोशन। ये क्या होता है ना, 12 मंथ लगता है इसको घूमने के लिए, एक पीरियड में, एक टाइम पीरियड में ये घूमता है। इसीलिए ये दोनों क्या होता है ना, अर्थ एग्जिबिट्स टू टाइप ऑफ मोशन। ओके, वन इज व फर्स्ट इज सर्कुलर एंड सेकेंड इज पीरियडिक मोशन, पीरियडिक मोशन। ओके, अंडरस्टैंड ना, पीरियडिक मोशन। देन इन्वेंशन ऑफ द व्हील ब्रॉट अबाउट ए रिवोल्यूशन इन हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। सही है, ट्रू। ओके, ट्रू है। व्हील आने के बाद ट्रांसपोर्ट का पूरा जमाना बदल गया। देन फॉर मेजरिंग लेंथ विथ ए स्केल, द जीरो मार्क ऑन द स्केल शुड बी कोइंसाइड विथ वन ऑफ द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर, राइट? वन सेंचुरी हैज 1000 ईयर्स। नो, फॉल्स, 100 ईयर्स। ओके, वन डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स। वेरी गुड, ट्रू है। देन क्वेश्चन नंबर 4 को हम चेक करेंगे। ओके, देन स्पिनिंग टॉप क्या होता है ना, सर्कुलर मोशन। ए बॉस ऑन ए स्ट्रेट रोड, रेक्टिलिनियर मोशन। सोल्जर्स मार्चिंग ऑन ए रोड, रेक्टिलिनियर मोशन। ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, पीरियडिक मोशन। ए बॉल थ्रोन ऑफ इन द एयर, रेक्टिलिनियर मोशन। ए वाइब्रेटिंग स्केल, पीरियडिक मोशन। मूविंग ब्लेड्स ऑफ ए सीलिंग फैन क्या हो जाएगा, मूविंग ब्लेड, रोटेशनल मोशन। फॉर्मेशन ऑफ ए फॉर्मेशन, ये रोटेशनल गया। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, पीरियडिक मोशन। ओके, ए बर्ड फ्लाइंग इन द एयर, नॉन पीरियडिक मोशन। ए बी फ्लाइंग इन द गार्डन, रैंडम मोशन। ओके, तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन को हम यहाँ पर करें हैं। धीरे धीरे से हम सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ओके, आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ा दो आप लोग। अभी तक 1000 नहीं हुआ है। आसपास जितने मोबाइल देख रहे हो आप, अपने अपने आसपास 1000 करा दोगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, चैनल थोड़ा मेरा ये हिट होगा। देन उसके बाद मैं और सारा वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ओके ना, आप लोग मेरे लिए इतना कर दोगे ना। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, सो नेम ए मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेट ट्रेन है, और आप लोग शिप भी लिख सकते हो, आप लोग को प्लेन भी लिख सकते हो, है कि नहीं? बहुत सारे, बस भी लिख सकते हो, बस, कार भी लिख सकते हो। मॉडर्न मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत सारे हैं, तुम्हारे मर्जी, तुम जो भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने ट्रेन लिखा हूँ। सो व्हाट ब्रॉट अबाउट द रिवोल्यूशन इन द मोड ऑफ ट्रैवलिंग, क्या अभी अभी बोला क्या, व्हील, द इन्वेंशन ऑफ व्हील ब्रॉट अबाउट ए रिवोल्यूशन इन द मोड ऑफ ट्रैवलिंग। ओके ना, ओके। देन क्वेश्चन नंबर सी, विच इन्वेंशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, स्टीम इंजन जब बना लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स। स्टीम इंजन के बाद क्या हुआ ना, डेवलपमेंट हुआ ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल्स मतलब कि मोबाइल मत समझना, ये जो मशीन का, जो गाड़ी का इंजन का पार्ट्स बनता है ना, वो वाला सब, जो स्टीम इंजन से पेट्रोल डाला जाता है उसके अंदर, वो पेट्रोल जलता है, इसीलिए बाइक और कार्स, बसेस, ट्रक्स, ये सब चलता है। ओके, बड़े क्लास में उसके बारे में जाकर जानोगे क्या होता है, कार्नट इंजन, स्टीम इंजन, इंजीनियरिंग में जानोगे सब, जो इंजीनियर बनेगा आगे जाकर ऑटोमोबाइल्स का, वो जो आप लोग जानोगे। ऑटोमोबाइल्स मतलब मोबाइल्स मत समझना, ऑटोमोबाइल्स मतलब कि इंजिन्स होता है, स्टीम इंजिन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे धीरे धीरे। मेरे इस क्लास में आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ मैं दूसरा नॉलेज भी आप लोगों को दे दूंगा यहाँ पर, जो जो चीज़ें मतलब कि आप लोग सुन नहीं पा रहे होंगे या आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं इस क्लास में आपको धीरे धीरे सब बताता जाऊँगा। ओके, तो आगे चलेंगे। हाँ, वेन इज ए बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट। ओके, ए बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजिशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स और टाइम, सराउंडिंग और टाइम। अगर बॉडी वहीं पर रहेगा,
कुछ टाइम नहीं लेगा तो उसको हम बोलेंगे कि रेस्ट पे है एक बॉडी। मान लो तुम्हारा पेन वहाँ पर टेबल पर पड़ा है, वो उठा नहीं, मतलब कि उसको उठाया नहीं। अगर उठाओगे दूसरी जगह पर लेके जाओगे, कुछ तो टाइम लगेगा ना फिर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, तो वो वाला हो गया मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन, बट बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। ओके, बॉडी कोई कोई सा मैंने मतलब कि उसके मोशन नहीं होगा, वो जिस पोजिशन पे है वही पोजिशन पे रहेगा। ओके, देन गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पीरियडिक मोशन, चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द पार्क। ओके, नॉन पीरियडिक मोशन, आगे चलते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर। अच्छा, वाई आर क्यूबिट एंड फोस्टेप नॉट यूज एज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। ओके, ए मेजरिंग ए सॉरी ए क्यूबिट एंड फोस्टेप कैन नॉट बी यूज एज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ बिकॉज द लेंथ ऑफ अ फोस्टेप एंड क्यूबिट डिफरेंट पर्सन इज डिफरेंट। ओके, इसको अगर स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग क्यूबिट एंड फोस्टेप को नहीं ले सकते क्योंकि सब लोगों का क्या होता है ना, हाथ किसका बड़ा होता है किसका छोटा होता है। अगर मान लो एक मतलब कि लंबा एक लड़का है और उसका हाथ तो बड़ा होगा और एक छोटा सा लड़की है उसका हाथ तो छोटा होगा। अगर आप क्यूबिट को मेजरमेंट जनरल मेजरमेंट में ले जाओगे तो इसका क्यूबिट अलग होगा और इसका क्यूबिट अलग होगा, तो इसको हम क्या करेंगे नहीं ले सकते, स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं ले सकते। ओके, इसीलिए और नेक्स्ट चलते हैं। सो डिफाइन द टर्म एस्टीमेशन। एस्टीमेशन क्या है ना, मेकिंग रफ मेजरमेंट विच में इनएक्यूरेट इज कॉल्ड एस्टीमेशन। इनएक्यूरेट होता है मतलब कि मान लो एक ये से यहाँ से ये ए है और ये बी है, इसका डिस्टेंस आप लोग देखोगे 3.8 हो जाता है, हम इसको एस्टिमेशन मतलब कि अप्रोक्सीमेट कर देते हैं 4 सेंटीमीटर, या इतना सेंटीमीटर था ना 3.8 था तो हम इसको 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, तो इसको बोलते हैं एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स में आप लोग भी पढ़े होंगे एस्टिमेशन के बारे में, हाँ मैंने यहाँ पर थोड़ा बता दिया आप लोगों को। सो नेम द काइंड्स ऑफ मोशन दैट द अर्थ एग्जिबिट्स। अभी कुछ देर पहले बताया अर्थ कौन सा मोशन में घूमता है। सर्कुलर मोशन एंड पीरियडिक मोशन आर मोशन दैट इज द अर्थ एग्जिबिट्स। देन गिव टू एग्जाम्पल्स इन विच एन ऑब्जेक्ट शोज मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन। एक एग्जाम्पल दो जिसमें एक ऑब्जेक्ट दो मोशन में एक साथ काम कर रहा होगा। मान लो एक कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड एक कार क्या करता है, अगर एक कार दिख रहा है ना कार जैसा देखो, तो अगर एक कार क्या करेगा, ये स्ट्रेट लाइन में मान लो चलता है, नहीं मान ली ये स्ट्रेट लाइन में चलता है स्ट्रेट लाइन में, तो क्या होगा, ये तो स्ट्रेट लाइन में जो बॉडी मोशन करता है इसको क्या बोलते हैं हम, रेक्टिलिनियर। और इसका जो पहिया है ना ये घूमता रहता है, ये कौन सा मोशन में हो गया, सर्कुलर मोशन। तो दो मोशन में आ गया ये, तो हमें एग्जाम्पल देना था एक बॉडी मूव कर रहा होगा दो मोशन में, तो ये हो गया नहीं। अच्छा ठीक है, फिर और दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, हाँ दो एग्जाम्पल बताया एक लिया, तो दूसरा एग्जाम्पल, ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड अंडर गोज बोथ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन। ओके, ये बॉल क्या करता है ना, ये घूम घूम कर जाता है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं ना, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, और ये घूमता रहता है, रोटेशनल भी बोलते हैं इसको, रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं। ओके अंडरस्टैंड, देन 7 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जाएंगे ये वाले। व्हाई वाज देयर ए नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। हमें जो ये स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए ही क्यों चाहिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट। For accuracy, people realize the need of some standard units of measurement which remain constant for everyone. For the sake of uniformity, scientists around the world accepted a set of standard unit of measurement length. मतलब इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि ये इसको आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या होता है ना, मतलब कि देख लो, हम लोग अगर बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पर फुट में नापते हैं,
कैसे मेज़र करते हैं, मतलब कि एक वायर ले लो, दुकान में जाओगे वायर लेने के लिए, ये मान लो ए बी एक वायर है, हमें वायर एक लेना है, तो दुकानदार को बोलोगे कि वायर चाहिए, वो बोलेगा कितने फुट का, तो तुम लोग बोलोगे 8 फुट का वायर दो। अच्छा तुम लोग जानते हो 8 फुट कितना है, ये 8 फुट को लेकर क्या करोगे, अमेरिका में जाओगे कि अमेरिका वाले बोलेंगे ये कितना फुट है ना, 8 फुट, वो बोलेंगे हैं 8 फुट क्या होता है, फिर उनको तुम लोगों को सिखाना पड़ेगा 8 फुट इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना किलोमीटर, ये सब इतना जो है ना ड्रामा, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन स्टार्ट होता होगा। तो इसीलिए सारे देश का साइंटिस्ट बैठे और एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया, उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या था, उसको जो स्टैंडर्ड यूनिट बना SI यूनिट बना, इंटरनेशनल सिस्टम, आई फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बट यहाँ पर SI क्यों लिखा है, ये फ्रांस में थोड़ा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल उल्टा लिखते हैं वहाँ पर, तो इसीलिए ये SI हो गया, बट हम लोग अगर देखेंगे इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI, और इसका जो है ना ये होता है MKS, इसका यूनिट मीटर किलोग्राम सेकेंड, अंडरस्टैंड। ओके ये थोड़ा था हिस्ट्री इसका, आप लोगों को बता दिया मैंने। ओके तो अभी क्या करेंगे ना, डिफाइन करेंगे लेंथ मेजरमेंट स्टैंडर्ड यूनिट्स। ओके तो फास्ट आ जाता है लेंथ, लेंथ आ जाता है लेंथ। लेंथ कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। इसके लेंथ हमें इसको मेजर करने से मालूम पड़ेगा दोनों में कितना होता है। ओके देन मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विथ एन नोन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, तो इसको हम बोलेंगे मेजरमेंट। देन आता है स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट यूनिट्स दैट हैव फिक्स्ड मेजर एंड विच डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सारे जगह पर ये क्या होता है यूनिट, मतलब कि केजी तुम लोग है ना, सारा वर्ल्ड में जाकर पूछोगे एक केजी आलू, 1 केजी टमाटो, 1 केजी जो भी मांगोगे वो उनको समझ में आ जाएगा कि केजी क्या है। ओके जो इंडिया में हम लोग केजी बोलते हैं, अमेरिका में भी कोई केजी बोलते हैं, फ्रांस में, इटली में, मिस्र में, तुर्की में, सारे जगह पर हम क्या बोलते हैं, वेट को हम केजी में मेज़र करते हैं। ओके इसको स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड देयर बी एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ सर्टन थिंग्स। एक्यूरेसी क्यों चाहिए हमें, पूरा एक्यूरेसी। ओके इन मेनी केसेस वी नीडेड टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट एंड कैन नॉट एक्सेप्ट एनी एरर। कुछ जगह पर हमें क्या करना है ना, पूरा पर्टिकुलर मेजरमेंट हमें चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे, अगर मेकिंग मेडिसिन से रिक्वायर्स एक्यूरेट मेजरमेंट, मेडिसिन जब खरीदने जाओगे और मेडिसिन जब खाओगे पूरा पर्टिकुलर मेजरमेंट से खाना पड़ेगा, जो डॉक्टर्स बताया होगा ना उसी हिसाब से पिल्स को लेना पड़ेगा, टैबलेट्स को लेना पड़ेगा, अगर इधर उधर हो गया मतलब कि ज़्यादा खा लिए तो मर जाएंगे, है कि नहीं। एंड एरर इन मेजरमेंट मे बी फटल फॉर ए पेशेंट, मरेगा पेशेंट फिर अगर ज़्यादा हो गया, और कम खाया तो वो बीमारी से मतलब कि कभी ठीक नहीं होगा, अगर ज़्यादा खा लिया मर जाएगा, तो इससे हमें कोई भी गलती नहीं करना है, पूरा एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैरेलैक्स एरर। ओके एरर इन रीडिंग मेजरमेंट ड्यू टू रॉन्ग पोजिशन ऑफ द आई इज कॉल्ड पैरेलैक्स एरर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये क्या होता है ना, इसके बीच रेक्टिलिनियर एंड रैंडम मोशन, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, इसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंशिएशन। ओके सो रेक्टिलिनियर मोशन एंड रैंडम मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। रैंडम मोशन कहते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज इरेगुलर कॉल्ड रैंडम मोशन। इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे, ए बॉय रनिंग ए 50 मीटर फ्लैट रेस, इसका एग्जाम्पल देखेंगे ए बी मूविंग इन ए गार्डन। ओके देन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, ए मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखेंगे मूवमेंट ऑफ ए हैंड्स ऑफ क्लॉक। इसका अगर नॉन पीरियोडिक मोशन देखेंगे, नॉन पीरियोडिक मोशन, ए मोशन दैट
डज नॉट रिपीट्स इट्सेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसको हम बोलेंगे नॉन पीरियडिक मोशन। ए ट्रक मूविंग ऑन ए रोड, ये इंटरवल कुछ नहीं होगा, होता है इसमें। ओके देन ये आज आपका ये वाला ना मोशन एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट चैप्टर का मैं बनाऊंगा, बट कमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को, और मेरा वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादातर ज़्यादा से व्यूज़ भी लाना पड़ेगा। ओके मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा सा एफर्ट दे दो भाई आप लोग। ओके थैंक यू, बाय बाय।